आज का दिन सभी धर्म प्रेमी बंधुओं और शिव भक्तों के लिए ऐतिहासिक है। विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा विश्वनाथ के मंदिर का दिव्य, भव्य और नव्य स्वरूप आज देश को समर्पित किया है। यह हर भारतीय के लिए गौरव का क्षण है। बाबा विश्वनाथ मंदिर का मध्य प्रदेश से भी अटूट संबंध है। इंदौर की महारानी अहिल्याबाई का बाबा विश्वनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देवी अहिल्याबाई के महनीय योगदान को याद करते हुए उनकी प्रतिमा काशी विश्वनाथ धाम के प्रांगण में स्थापित की गई है। जानकारी देते हुए कार्यक्रम प्रभारी नितिन आहूजा ने बताया कि सीनियर मंडल का कार्यक्रम मनकामेश्वर मंदिर प्रांगण में रखा गया। यहाँ पर सर्वप्रथम रामद्वारा पधारे के साधु संतों का सम्मान किया गया। उसके उपरांत भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव खंडेलवाल के मुख्य आतिथ्य में सभी ने काशी विश्वनाथ धाम परियोजना के लोकार्पण को लाइव देख कर कार्यक्रम के साक्षी बने। आज भारतीय जनता पार्टी हमारे विधानसभा मंडल में हमारी राजमाता गायत्री राज भवानी का वाहन कर भव्य काशी दिव्य काशी का आज मोदी जी द्वारा भव्य मंदिर का लोकार्पण का कार्यक्रम था। उसके साथ आज लायु प्रसाद का कार्यक्रम मनकामेश्वर मंदिर में रखा गया था। साथ ही महासंतों का भी उसमें हमने सम्मान किया। हमारे मंडल के सभी यहाँ पदाधिकारी और यहाँ के आम जनता जहाँ सब उपस्थित है वो लायु कार्यक्रम का प्रसन्न का आयोजन यहाँ किया गया था। कौन कौन लोग लाइव प्रसारण में हमारे भारतीय जनता पार्टी जिले के अध्यक्ष, हमारे मंडल के अध्यक्ष, महामंत्री, सभी हमारे साथीगण और सभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित है। साथ ही संतों का भी हमने आमंत्रित करा, उनका भी यहाँ सम्मान किया। यह कार्यक्रम पूरे संगठन का पूरे मध्य प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में एक साथ कार्यक्रम चल रहा है लाइव। यह मान्यता है कि काशी जो मंदिर है वहाँ तक 3000 स्क्वायर फीट में बना था। नरेंद्र मोदी जी के उनके जो उनकी सोच थी आज 5 लाख स्क्वायर फीट में भव्य काशी मंदिर बाबा भोलेनाथ का वहाँ आज बनने जा रहा है, उसका लोकार्पण होने जा रहा है। प्रसारण रखा गया। देवास से कैमरामैन अभिषेक सोनी के साथ राजेश पवार की ये रिपोर्ट।